गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल एबीटेक भारत। बहुत स्टूडेंट कमेंट करके बता रहे थे कि विद्यापीठ की वार्षिक परीक्षाएं कब से हो रही हैं, तो मैं सोचा हूं कि इस पर एक वीडियो बनाया जाए। इसका एक काशी विद्यापीठ द्वारा एक न्यूज़पेपर में एक न्यूज आया है कि काशी विद्यापीठ की वार्षिक परीक्षाएं तीसरे सप्ताह से चलेंगी, जो कि मैं आप लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं। यहां आप देख सकते हैं कि जो भी काशी विद्यापीठ की वार्षिक परीक्षाएं बीए बीएससी जो कुछ भी है सब तीसरे सप्ताह से होंगी। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ की वार्षिक परीक्षाएं अप्रैल के तीसरे सप्ताह से शुरू होंगी। इसका काशी विद्यापीठ द्वारा गाइडलाइन जारी कर दिया गया है, जो कि टाइम टेबल कुछ समय बाद जारी हो जाएगा। यहाँ लिखा हुआ है सोमवार तक विश्वविद्यालय प्रशासन टाइम टेबल जारी कर देगा। तो सोमवार तक विश्वविद्यालय प्रशासन टाइम टेबल जारी कर देगा, जो कि आप mgkbp.ac.in पर जाकर आप टाइम टेबल डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें इस समय सेमेस्टर का एग्जाम चल रहा है, जो कि 12 अप्रैल तक समाप्त हो जाएगी। और सेमेस्टर के एग्जाम खत्म होने के बाद वार्षिक परीक्षाएं की शुरुआत हो जाएगी। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस समय कोरोना का प्रोटोकॉल चल रहा है, इसलिए महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के बैठकों में निर्धारित किया गया है कि वार्षिक परीक्षाएं जो शुरू होंगी वो अप्रैल के तीसरे सप्ताह से शुरू हो जाएंगी और सेमेस्टर परीक्षा के बाद शुरू हो जाएंगी। जैसा कि इसमें वाराणसी, चंदौली, मिर्जापुर, सोनभद्र तथा भदोही के 350 कॉलेजों के करीब 2.5 लाख परीक्षार्थी शामिल होंगे। और इसमें बताया गया है कि सभी वार्षिक परीक्षाओं में सभी प्रोटोकॉल्स का पालन किया जाएगा, और ये बैठक के दौरान यह सब निर्धारित किया गया है। और आइए एक बार न्यूज़पेपर को पढ़कर सुना देते हैं आपको। यहाँ लिखा हुआ है जो अप्रैल जो सेमेस्टर परीक्षाएं चल रही हैं वो 12 अप्रैल को समाप्त हो जाएंगे। इसके बाद इन परीक्षाओं को उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन की तैयारी हो जाएगी। और वार्षिक परीक्षाओं में उन विषयों को पहले रखा जाएगा जिनमें छात्रों की कम संख्या है। धीरे धीरे परीक्षार्थियों की संख्या बढ़ाई जाएगी और विश्वविद्यालय प्रशासन कोरोना संक्रमण पर भी नजर रखे हुए हैं। आमतौर पर विश्वविद्यालय की वार्षिक परीक्षाएं 24 से 25 फरवरी से आरंभ हो जाती हैं, जो कि अगर कोरोना काल नहीं चलता होता तो 24 से 25 फरवरी से आरंभ हो जाती, लेकिन अब COVID-19 का पैंडेमिक चल रहा है, इसलिए ये कि वार्षिक परीक्षाएं पोस्टपोन होकर अप्रैल से शुरू होने वाली हैं, अप्रैल के तीसरे सप्ताह से शुरू होने वाली हैं। और पिछले सप्ताह लॉकडाउन से पहले कई प्रश्न पत्रों की परीक्षाएं समाप्त हो गई थी। इसमें कुलसचिव डॉक्टर साहब लाल मौर्य ने बताया कि इस सत्र की परीक्षाएं अप्रैल के तीसरे सप्ताह से कराने की पूरी तैयारी हो गई है। संबंध कॉलेजों को भी इसके बारे में जल्द ही सूचित किया जाएगा। परीक्षा को तुरंत बाद मूल्यांकन शुरू हो जाएगा। और आगे अपडेट के लिए हमारा एबीटेक भारत चैनल देखते रहिए, और अपडेट के लिए आप इसको सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।